बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतनराम मांझी अपनी बातों को बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने शुक्रवार को सुधाकर सिंह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे गठबंधन के नेता हैं, मंत्री थे, अगर काम गलत हुआ तो गलत को सुधारने के लिए ही मंत्रालय दी जाती है। सुधारना चाहिए था उनको, सीएम से बात करनी चाहिए थी। देखा जाए तो पलायनवादी नीति को अपनाते हुए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद त्याग दिए तो अनेक प्रकार के अनर्गल बातें बोल रहे हैं। जीतनराम मांझी ने बोधगया स्थित अपने फार्म हाउस पर यह तमाम बयान दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार है बिहार में, अगर यह भावना रहती तो सरकार पर संकट आ सकती थी। अगर महागठबंधन के साथ सुधाकर सिंह हैं तो ऐसी संकट नहीं लानी चाहिए। अगर बीजेपी के एजेंट हैं तो वह अपना काम ठीक से कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। महागठबंधन के हित के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं वो। बता दें आपको कि मांझी ने यह साफ कह दिया है कि भाजपा के वो एजेंट हैं। मांझी ने कहा है आगे कि हम अगर महागठबंधन के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो यहाँ मुख्य विरोधी पार्टी बीजेपी है। ऐसा कोई हरकत हमें नहीं करना चाहिए कि उसे कहीं ना कहीं फायदा मिले। तो सुधाकर सिंह जो भी कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि महागठबंधन में है तो इसका पालन कीजिए, महागठबंधन धर्म का पालन कीजिए। तो वहीं शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान का जो है मांझी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि रामायण को काव्य मानते हैं, इसमें अनेक नीतियां हैं, हमें धर्म पर जो है चलना कहीं ना कहीं सिखाती है। तो वहीं कहीं गलतफहमी से ऐसा कुछ बातें आई है जिसका उदाहरण दिया है। तो ऐसे में बवाल नहीं होना चाहिए। कुछ बातें रामचरितमानस में हैं जिन्हें नकारा जा सकता है। इस दौरान शरद यादव के निधन को लेकर भी तमाम उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में रामचरितमानस की बातें आ रही है या फिर सुधाकर सिंह की बातें आ रही है, इसको लेकर मांझी ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से रामचरितमानस पर जो बयान दे रहे हैं, इसमें बयान नहीं देना चाहिए। जो शिक्षा मंत्री ने कहा है वो कहीं ना कहीं सत्य है और इसका हम समर्थन करते हैं। तो वहीं जिस तरीके से बिहार के पूर्व कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह शिखंडी कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, वो नाइट वॉचमैन कह रहे हैं, इसको लेकर सीधा सीधा जीतनराम मांझी ने आरे हाथों लिया है सुधाकर सिंह को। और इधर साफ कह दिया है मांझी ने कि सुधाकर सिंह भाजपा के एजेंट हैं, इस तरह का बयान जो है उनको नहीं देना चाहिए जिससे भाजपा को फायदा हो। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।